हेलो हाय नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूँ रॉयल एकेडमी के नए प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम करेंट अफेयर स्टेट पीसीएस को फोकस करके देखने वाले हैं। और सोर्स है अपना पीआईवी, सबसे जेन्युइन सोर्स, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अभी 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का पेपर है, पर्टिकुलरली अभी वो फोकस में है। सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1 जनवरी 2021 का न्यूज आर्टिकल, जिसमें से हम इम्पोर्टेंट निकालेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपको आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो फिर हम पे भरोसा रहे आपको, मैं जो बोल रहा हूँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट आर्टिकल है कि इंग्लिश रेंडरिंग ऑफ पीएम एड्रेस एट फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट अंडर जीटीसी इंडिया। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था जनवरी 2021 में, और ये जीएचटीसी इंडिया के लिए, जीएचटीसी इंडिया से लॉन्च के लिए लॉन्च किया गया है, अंडर लॉन्च किया गया है। अब लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअली लाइट हाउस प्रोजेक्ट 21st सेंचुरी का हाउस प्रोजेक्ट है, जिसे जीएचटीसी इंडिया के अंडर लॉन्च किया गया है खुद पीएम के द्वारा। यहां एक टर्म यूज हुआ है, आशा इंडिया प्रोग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आशा इंडिया प्रोग्राम इज बीइंग रन इन द कंट्री। ये आशा आंगनवाड़ी का आशा नहीं है, ये आशा अफोर्डेबल हाउस से रिलेटेड है, जो मैं दूसरे आर्टिकल में आपको दिखाता हूँ। जब प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन स्टोन ले किया था 6 स्टेट में, 6 अलग अलग साइट्स पे। यहाँ आशा का मतलब है अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स इंडिया, आशा इंडिया। और जीएचटीसी का मतलब है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंडर पीएम ने 6 साइट्स पे 6 स्टेट के क्रॉस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है आशा इंडिया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट टारगेट है, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत चलाया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। इससे रिलेटेड आपको याद रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट और आशा इंडिया, जीएचटीसी, एमएसपी। यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ऑपरेशंस ड्यूरिंग खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021। पैडी प्रोक्योरमेंट 24.93% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, कंपेयरिंग टू 2020। एक नजर डालेंगे हम डिफरेंट प्रोडक्शन पर। पैडी प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट फॉर खरीफ इज कंटिन्यूइंग स्मूथली इन द प्रोक्योरिंग स्टेट एंड यूटीज ऑफ पंजाब हरियाणा यूपी एंड सो ऑन। परचेज ऑफ ओवर 487.92 लाख मीट्रिक टन 2020 के ईयर में खरीदा गया था, जो कि 24.93% ज्यादा है। इसमें अगर कुछ और इंपॉर्टेंट है तो वो एमएसपी वैल्यू ही पूछ देते हैं, जैसे 2018 में पूछ दिया था कि पैडी का एमएसपी वैल्यू कितना है। अभी इस बार 2021 में पैडी का पर, अगर हम क्विंटल की बात करें, तो ये 1900 के आसपास है, 1900 रुपये के आसपास है। इस आर्टिकल में वो मेंशन नहीं है, तो आप पैडी का प्रोक्योरमेंट, व्हीट का प्रोक्योरमेंट, या पैडी का एमएसपी और व्हीट का एमएसपी आप डिफरेंट साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का ईयर एंड रिव्यू आया है। अगर इस मिनिस्ट्री का कोई प्रोग्राम हो जो इंपॉर्टेंट हो तो आपको नोट करना चाहिए। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट एंड राइट कंज्यूमर। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अमेंड किया गया था, याद होगा आपको, जिसमें ये इन्वेंट्रीज और ऑनलाइन जो डिजिटल वर्ल्ड वाले हैं, डिजिटल मार्केट हैं, जैसे अमेजोन हो गया, ये बीच में क्या करता है, सामान अपना कहीं और से उठाता है और पब्लिक को डिलीवर करता है, तो ये इन्वेंट्रीज कहलाते हैं, इनको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। सेवरल क्रिएटिव इवेंट्स फॉर आर्ट लव सोन एट एनजीएमए दिस ईयर। ये एनजीएमए क्या है, एक नजर डालते हैं इस पर। एनजीएमए जहां की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें अक्सर हुआ करती हैं, इस साल ऐसा क्या खास हुआ है ये हम जानना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि द ईयर 2021 इज एक्सपेक्टेड टू बी अ स्पेशल ईयर इन एनजीएमए हिस्ट्री।
क्यूरेटोरियल एक्टिविटीज आर इन फुल स्विंग फॉर द एग्जीबिशन दैट वी लॉन्च अर्ली दिस ईयर. शोकेसिंग ऑफ एक्सेप्शनल एयर इंडिया कलेक्शन एंड ट्रेजर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ राम किंकर वाइज एंड अमृता शेरगिल, जो कि फेमस आर्टिस्ट हैं अमृता शेरगिल इनफैक्ट थी, एंड एग्जीबिशन ऑफ तंत्र आर्ट. द एग्जीबिशन विल बी हेल्ड इन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तीन जगहों पे ये एनजीएमए के द्वारा ये आर्ट एग्जीबिशन होगा, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई. तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस देयर विल बी एग्जीबिशन एट रिगार्डिंग एनजीएमए आर्ट एंड कल्चर. तो ये तीन मेट्रोज हैं, दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई. आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन लाया गया था आर्ट लवर्स के लिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. डीआरडीओ सेलिब्रेट फाउंडेशन डे, यानी 1 जनवरी के दिन डीआरडीओ एस्टेब्लिश हुआ रहा होगा. 63rd फाउंडेशन डे डीआरडीओ ने मनाया है. अभी इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं. ये स्टेट पीसीएस ऑलरेडी पूछ चुका है. डीआरडीओ एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1958 में किया गया था. इनके पास उस टाइम पे केवल 10 लेबोरेटरीज थे. अभी कंट्री के हर पार्ट में इनके लेबोरेटरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट. बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ. तरुण कुमार एक्ट टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल एनसीसी नेशनल कैडेट कोर. बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट नेशनल कैडेट कोर हाल के दिनों में पीएम ने बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया है, तो अगर इसके डायरेक्टर जनरल का नाम याद हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है. फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज लॉन्च, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर साउथ एशियन कंट्रीज नेमली इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका. एक नजर डालते हैं इस पर. मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नेटवर्क इन द कंट्री ऑगमेंटेड 102, 102 नए डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट एस्टेब्लिश इन 2020. एक्यूरेट एंड टाइमली प्रेडिक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एम्फन, निसर्ग एंड निवार बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इन तीनों, ये तीनों आए कहाँ कहाँ थे? एम्फन कहाँ आया था, निसर्ग कहाँ आया था, कौन वे ऑफ बंगाल में आया था, कौन मुंबई कोस्ट पे आया था, ये इंपॉर्टेंट है. सर्टिफिकेशन ऑफ रिकॉग्निशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन रिसीव्ड फॉर सुनामी रेडी बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन IOC यूनेस्को. इसे रिकॉग्नाइज करेगा इनके एस्टेब्लिशमेंट को. यूनेस्को का एक ऑर्गेनाइजेशन है ओशियोनोग्राफिक कमीशन, ये सर्टिफाई करेगा. A very high resolution operational air quality prediction system developed to predict extreme air pollution events in Delhi and issue timely warning to take necessary steps. इसमें बहुत सारे न्यूज आर्टिकल एड किए हुए हैं, तो जो मेन मेन है वो हमें याद हो जाए. जैसे डिटेल में देखो लिखा हुआ है, अर्थ सिस्टम साइंस डील्स विद द अर्थ सिस्टम 5 components, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर. क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि अर्थ के 5 components कौन कौन से हैं. कुछ तो आपको याद रहेगा, मे बी क्रायोस्फेयर एक नया टर्म दिख रहा होगा आपको. क्रायोस्फेयर एक्चुअली नया टर्म नहीं है, ये भी अर्थ का 5 में से 1 component है और इन्हीं का इंट्रैक्शन अर्थ का क्लाइमेट डिसाइड करता है. एक सर्विस है जिसका नाम है एक्रॉस, एटमोस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेस, एक्रॉस IMD का है अनडाउटली, जिसने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस लॉन्च किया है इसी साल 2021 में. और कितने कितने कंट्रीज के लिए? इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज के लिए, बांग्लादेश के लिए, भूटान के लिए, नेपाल के लिए और श्रीलंका, जो कि पाक स्ट्रेट से थोड़ा सा सेपरेटेड है इंडिया से. एक कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ 25 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS फॉर अर्थ एंड एटमोस्फेयर स्टडीज वेयर सेटअप. GNSS 25 सेटअप किए गए हैं. विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट WIFEX, ये काफी जाना पहचाना और सुना सुनाया सा टर्म है WIFEX. विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड एट IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली एंड हिसार फ्रॉम नवंबर 2020 टू मार्च 2021. तो क्वेश्चन बहुत सिंपली बन जाता है कि कौन से एयरपोर्ट पे WIFEX कंडक्ट किया गया था. लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन मौसम, 27 जुलाई का है, ये थोड़ा सा पुराना न्यूज है. एक्चुअली IMD का ये पूरा रिकॉर्ड है कि 2020 में IMD ने क्या क्या किया है. तो मेन जो टेक्निकल नेम्स हैं वो हमें याद रहने चाहिए और इनसाइट आपको पता ही होगा. ये वेदर यानी क्लाइमेट इन सारी चीजों से रिलेटेड है. सीधा पूछ देते हैं इनसाइट सैटेलाइट किस काम आता है.
एक और टर्म बना है ओ स्मार्ट, ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ओ स्मार्ट। ये भी आईओसी यूनेस्को द्वारा एक तरीके से कहें प्रमाणित किया जाएगा। एक और टर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, आई फ्लूज। सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा कि आई फ्लूज क्या है, तो ये मुंबई में जो इंटीग्रेट ये फ्लड आते हैं उनको ऐसे उन सारे रीजन्स को उन सारे एरियाज को इंटीग्रेट किया गया है ताकि एक साथ सबको कंट्रोल किया जा सके, जहां कहीं भी जिस पर जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया हो, ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन में किया गया है। पोलर एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेसर, ये सारे टेक्निकल टर्म हमें याद होने चाहिए, ये ब्रिक्स से रिलेटेड है पेसर। सेज सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस रिसर्च सेज। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10 मिलियन लोन सपोर्ट दिया है एक हॉर्टिकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। वन लाइनर है ये सब, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर से एडीबी ने $231 मिलियन दिया है पावर जनरेशन कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए आसाम में, ये वन लाइनर है सब। एक स्कीम इंप्लीमेंट किया गया है जिसका नाम है रॉटिप, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। एक बार डिटेल में देखते हैं कि ये एक्चुअली स्कीम है क्या। इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेस रिलीज डेटेड इतना रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम इतना जनवरी 2021, इट इज फर्दर स्टेट दैट फॉलोइंग शैल बी नोटिफाइड मेड पब्लिक शॉर्टली डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट गुड। सो रोडटेप स्कीम गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट किया हुआ है। रोडटेप, रोडटेप का मतलब क्या है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। सपोज करें कि आप कुछ आप इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो ड्यूटीज और टैक्स आपको पे करने होंगे उसमें कुछ आपको रिमिशन मिलेगा, प्रोवाइडेड ये जो 5 कंडीशन यहाँ मेंशन है ये आप पूरे करते हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर दिसंबर। ये मंथली वाइज रिकॉर्ड अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये न्यूज आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। IFSCA IFCA हैज बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन। IOSCO का IFCA मेंबर बन गया है। IOSCO इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड सिक्योरिटीज रेगुलेटर इंक्लूडिंग सेबी, कवरिंग मोर देन 95% ऑफ द वर्ल्ड सिक्योरिटी मार्केट्स। ये क्लोजली G20 के साथ वर्क करता है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड सेटअप करता है। ये इसका मेन मकसद है वर्ल्ड लेवल पे सिक्योरिटी रेगुलेटर्स को एक जगह लाना, एक तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाना जो कि कंपटिटिवली इफिशियंट हो। IFCA याद रहे आपको, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑथोरिटी, ये IOSCO जो कि इंटरनेशनल रेगुलेटर है सिक्योरिटीज का और G20 के साथ काम करता है, इसका मेंबर बन गया है। थोड़ा सा और आपको IFCA के बारे में बता दें, याद होगा आपको गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर ऑथोरिटी IFCA गुजरात में एस्टेब्लिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं COVID-19 वैक्सीन रोल आउट की तरफ। बहुत सारे वैक्सीन कंट्री में चल रहे हैं, इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं इनके नाम आपको याद हो। प्राइम मिनिस्टर ने न्यू ईयर पे क्या गिफ्ट दिया है, हेराल्डिंग एन एरा ऑफ अडॉप्टिंग ग्लोबली बेस्ड न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एज आवर ऑन। जैसा कि अभी आपने लाइट हाउस देखा था, वो भी एक तरीके का टेक्नोलॉजी है। लाइट का मतलब यहाँ हल्का से है, लाइट का मतलब सनलाइट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कहना है कि मोर देन 3 क्रॉप टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइडेड अंडर जल मिशन, जल जीवन मिशन। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चेयरमैन रेलवे बोर्ड के बदल गए हैं, विनोद जी चले गए हैं और सुनीत शर्मा नए चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 5th ड्राफ्ट नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के लिए पब्लिश किया है। पब्लिक से कंसल्टेशन मांगा होगा नो डाउट। ये 5th नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ड्राफ्ट लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इनोवेशंस वगैरह के बारे में बातें की गई हैं, लोगों से कंसल्ट किया गया है कि आप इस कोविड के टाइम पे जो इनोवेटिव आइडियाज दे सकते हैं वो आप दें। ये 5th ड्राफ्ट रिलीज किया गया है।
ट्राइफेड टू कोलेबरेट विद वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट फॉर जीआई टैगिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि जीआई टैगिंग ट्राइबल प्रोडक्ट का कौन करवाएगा, कौन प्रमोट करेगा जीआई टैग्ड ट्राइबल प्रोडक्ट्स को, तो ये है ट्राइफेड। नाम याद होगा आपको, ट्राइफेड नाम ही है ट्राइबल्स के लिए ये जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल, अगले डेट की तरफ, 2 जनवरी 2021 के न्यूज आर्टिकल को देखते हैं। ये जो दो चार न्यूज आर्टिकल थे ये 1 जनवरी के थे, 2 जनवरी का है जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसी को ओनली केवल करेंगे। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 4 जनवरी को, यानी 4 जनवरी को नेशनल मेट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो डेट होगा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम टू डिलीवर इनॉग्रल एड्रेस एट नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव। याद कीजिए पिछले साल यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था इंडिया आइडिया समिट, तो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को पीएम ने इनॉग्रेट किया है और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल एंड भारतीय निर्देशक द्रव्य नेशन को डेडिकेट किया है। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का फाउंडेशन उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया है। ये सारी चीजें हमें पता हो कि हुआ कहाँ है, क्या ये दिल्ली में हुआ है, क्या ये दिल्ली से बाहर कहीं हुआ है, ये हमें याद होना चाहिए। एक्चुअली ये सारी चीजें दिल्ली में ही हुई है। यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव IMD नहीं करवाता है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, और CSIR का एक फिजिक्स लेबोरेटरी है जो न्यू दिल्ली में है, इसने इसके 75 थियोरी ऑफ इंसेप्शन पे किया गया है। CSIR अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है CSIR, इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ लें। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। इंडिया मर्चेंडाइज ट्रेड प्रिलिमिनरी डाटा फॉर दिसंबर 2020, ये पूरे ईयर का इंपॉर्टेंट है, एक महीने का नहीं। पीएम लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ परमानेंट कैंपस ऑफ IIM संबलपुर। संबलपुर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहां पे प्रधानमंत्री ने परमानेंट कैंपस डाला है IIM का। माइटी का ईयर एंड रिव्यू है, आपके पास टाइम हो तो IIM रिव्यू पढ़ सकते, ईयर एंड रिव्यू पढ़ सकते हैं हर एक मिनिस्ट्री का। आगे CDSCO दिख रहा होगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये CDSCO ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी वैक्सीन के रोल आउट से पहले उसे कंप्लीटली साइंटिफिकली चेक करता है, क्रॉस चेक करता है, और फिर वो एक्सपर्ट कमिटी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी से सलाह लेकर के फिर मार्केट में आने की अनुमति देता है। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है वैक्सीन रन डे मनाया गया था, COVID-19 वैक्सीन रन डे हेल्ड अक्रॉस इंडिया। कौन से डेट को मनाया गया, स्टेट पीसीएस ऐसे ही क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं। ये हर्षवर्धन विजिट GTV हॉस्पिटल सादरा, मॉक ड्रिल। हमारा जो इंटरेस्ट है वो इसमें है, COVID-19 वैक्सीन ड्राई रन हेल्ड अक्रॉस इंडिया, ये 2 जनवरी की बात है, तो ये डेट आपको याद रहे। अमित शाह ने नेशनल पुलिस K9 जनरल लॉन्च किया है, होम मिनिस्टर के अंदर आता है ये जो भी है ऑल इंडिया सर्विसेज और ये स्टेट पुलिस दिल्ली की, तो उन्होंने नेशनल पुलिस K9 जनरल लॉन्च किया है। 51st IFFI टू ओपन विथ इंडियन प्रीमियर ऑफ अनदर राउंड बाई थॉम्स विंटरबर्ग। ये IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 16 जनवरी 2021 से जो प्रीमियर मूवी है अनदर राउंड, किनकी मूवी है ये, थॉम्स विंटरबर्ग की, इससे स्टार्ट किया गया है। ये हुआ कहाँ है, जनरली IFF गोवा में होता है, क्या इस बार भी ये गोवा में हुआ है या कलकत्ता में हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। यहां देखिए लिखा हुआ है इन गोवा 51st IFFI इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम इतना टू इतना जनवरी गोवा। बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट मॉडल पब्लिश किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, माइनिंग सेक्टर के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए, और कुछ खास इसमें है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अगले दिन का आर्टिकल, यानी 3 जनवरी के आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 आर्टिकल आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके काम का होगा, यानी महीने में हार्डली 60 से 90 एक महीने का जो न्यूज आर्टिकल होता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। MSP
हमने पिछले बार भी 1 जनवरी वाले आर्टिकल में भी बात की थी, एमएसपी काफी मेंशन है खरीफ के लिए एज वेल एज पैडी के लिए, खरीफ के लिए एज वेल एज रबी के लिए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी होते हैं ये सीडीएससीओ में, यही अप्रूवल देते हैं फाइनल किसी भी वायरस के वैक्सीन को, किसी भी वायरल वैक्सीन को। एक आर्टिकल आया है इंडिया सस्टेन डिक्लाइन ऑफ एक्टिव केस लोड कंटिन्यूज। सस्टेन्ड डिक्लाइन का मतलब होता है कि लगातार कमी आ रही है। डीबीटी वायरक सपोर्टेड इंडिजनली डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन, देखो जनरली वैक्सीन आरएनए वाले होते हैं, यहाँ डीएनए वैक्सीन की बात हो रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेशन फर्स्ट इंडिजनली डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन कैंडिडेट अगेंस्ट कोविड-19 जाय कोविड डी वाई जायडस कैडिला हैज बीन अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डीसीजीआई ने इंडिया का फर्स्ट डीएनए वैक्सीन जिसका नाम है कोविड-19 जाइकोव डी, उसे अप्रूवल दिया था। जाइकोव डी इंडिया का फर्स्ट डीएनए वैक्सीन है, बाकी के सारे आरएनए वाले होते हैं, एक्चुअली बाकी सारे के सारे बाहर के हैं, ये इंडिजिनली फर्स्ट है डीएनए वैक्सीन। अंडर द एज ऑफ वायरक एंड वायरक नेशनल बाय फार्मा मिशन वायरक के अंदर ही काम करता है, तो ये फर्स्ट इंडिजनली डेवलप्ड जो पहला डोमेस्टिक डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन है, नाम है उसका जाइकोव डी, नाम आपको जरूर याद रहे। नेक्स्ट डेट को देखते हैं, एक्चुअली 4 जनवरी का क्या न्यूज आर्टिकल है? पीएम ने कहा है आत्मनिर्भर भारत इज अबाउट बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और पीएम का कहना है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल ऑफ इनोवेशन, सबको मिला करके यूज किया जाए। पीएम का स्टेटमेंट, पीएम का इनोग्रेशन, उनके स्टेटमेंट में कौन से टेक्निकल टर्म है, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस वहीं से बना दिया जाता है। इसरो इन कोलेबरेशन विद प्राइवेट सेक्टर विल बूस्ट आत्मनिर्भर भारत, अब आत्मनिर्भर भारत में इसरो भी कोलेबरेट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के साथ।